वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का वेरिएशन पढ़ेंगे। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि मेटालिक प्रॉपर्टी है क्या, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में सेम ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है और पीरियड में भी मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे डिक्रीज या इंक्रीज करता है, इन बातों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक प्रॉपर्टी है क्या। एक्चुअली मेटालिक प्रॉपर्टी हम लोग एर्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस जो मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो, साइन करता हो और इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी हो, बहुत सारे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन। वो एलिमेंट जो टेंडेंसी रखता है पॉजिटिव आयन यानी कि लॉस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखता है दैट इज कॉल्ड मेटल। मेटल किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा वो मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा दैट इज नॉन मेटल। जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वो उतना अच्छा मेटल, और जो जितना डिफिकल्टली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला और मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला। अब मैं मेटल के बारे में देख रहा हूं कि मेटल जैसे दो एलिमेंट दो एटम ले रहा हूं, एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर ये थोड़ा सा बड़ा एटम ले लिया, दूसरा न्यूक्लियस पे एक छोटा सा एटम ले लिया। दो एटम मैंने यहां पे लिया है, यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां पे रेडियस स्मॉल है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाइंडेड रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। सेम में यहां पे देखिए, यहां पे न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो यहां अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये इजिली लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे रेडियस बड़ा है, ये आर ग्रेटर देन आर है, ओके, तो ये मेटल हो जाएगा, इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो जिसका रेडियस बड़ा वो मेटल हो जाएगा और जिसका रेडियस छोटा वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, नॉन, ओके। तो मेटल नॉन मेटल में बहुत इजीली हम लोग सोचेंगे किस बेस पे, रेडियस के बेस पे, रेडियस छोटा इस मींस वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, डिफिकल्टी से लूज करेगा, तो ये नॉन मेटल। रेडियस बड़ा तो इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इट मींस वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, मेटल नॉन मेटल। हमने पिछले क्लास में रेडियस का वेरिएशन बताया था, अब हम लोग यहां पे सिर्फ इतना जाने कि मेटल या मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, देख सकते हैं रेडियस बड़ा तो मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा, रेडियस छोटा मेटालिक प्रॉपर्टी कम, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस का क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बड़ा रेडियस मेटल, छोटा रेडियस नॉन मेटल। अब यहां पे रेडियस का वेरिएशन के बेस पे हम लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा रेडियस वाला मेटल और छोटा रेडियस वाला नॉन मेटल। अब यहां पे आ जाइए, ये हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस के आगे एक सेल है, ये लिथियम है, इसके न्यूक्लियस के आगे दो सेल है, सोडियम है, इसके न्यूक्लियस के आगे तीन सेल है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं, दैट इज वाई रेडियस क्या होगा, बड़ा होता जाएगा
और मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। यानी कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं इन द सेम ग्रुप, टॉप टू बॉटम आएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा। रेडियस इंक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा। आर एंड मेटालिक प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये कहां? इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में जब चलेंगे, इन द सेम ग्रुप, क्या हुआ? रेडियस इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया? न्यू सेल ऐड हो रहा है, इसलिए। एक सेल है, दो सेल, तीन सेल, न्यू सेल ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाई रेडियस इंक्रीज कर रहा है। रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, दैट इज व्हाई मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। लेकिन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो था वो ऐसे इंक्रीज किया और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा। ऊपर की ओर देखिए, बॉटम से टॉप जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन टॉप से बॉटम आएंगे तो डिक्रीज करेगा। इन द सेम ग्रुप, ओके। तो इन द सेम ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज किया, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज किया। अब मैं ग्रुप में चलता हूं। जब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में इसको मिटा ले रहा हूं। ग्रुप में क्या होता है कि यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज लिथियम में चार्ज है +3, बेरिलियम में चार्ज हो जाएगा +4 न्यूक्लियस का, यहां पे +5 +6 +7 न्यूक्लियस का चार्ज मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियस में 7 प्रोटोन है, 8 प्रोटोन, 9 प्रोटोन, 10 प्रोटोन, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटोन +3 से +4 +5 +6 ऐसे होता जा रहा है। तो होगा क्या, जैसे ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं 3 वाला, फिर उससे छोटा 4 वाला, 5 वाला उससे भी छोटा, 6 वाला और छोटा, +7 आएगा तो एकदम छोटा हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जा रहा है तो साइज उसका छोटा होते जाएगा, और जब साइज छोटा होगा तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि ये रेडियस की इनवर्सली, और मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? घटेगी। यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जब सेम पीरियड में जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी लॉस करता है, लेस होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसे जाएगा, ये इससे कर दे रहा हूं, मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसे है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसे जा रहा है। तो यानी कि ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसे इंक्रीज करेगी, सॉरी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसे इंक्रीज करेगी, मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसे इंक्रीज करेगी। सेम ग्रुप में अगर देखेंगे तो टॉप टू बटन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और टॉप टू बटन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। अब ये बीच में मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिख रखा है, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे जो 6 एलिमेंट्स हैं ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। ये तो आपको दिख गया होगा कि इधर जैसे जैसे जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ये क्या है? नॉन मेटल, और ऐसे आएंगे तो मेटल, उधर जा रहे हैं तो नॉन मेटल, और इधर आ रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी आ रहा है। अब ये बीच में जो हो गया वो मेटल वायर्ड है, या सेमी मेटल भी कहते हैं, ये बीच वाला बोरन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इससे उधर जो भी है वो नॉन मेटल कहलाता है, और इससे इधर जो भी है वो सारे के सारे मेटल कहलाते हैं। ओके,
ये मेटल वायर्ड हो गया, इससे उधर जैसे फ्लोरीन है या हीलियम नियॉन आर्गन है, ये सारे के सारे अच्छे खासे नॉन मेटल, और इधर आ जाएंगे सोडियम पोटेशियम वगैरह, अच्छा खासा मेटल है, फ्रांसियम तक जाएगा। ओके, तो इस तरह से इससे नीचे मेटल और उससे ऊपर नॉन मेटल, मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट, मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड में डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड में इंक्रीज करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप में इंक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप में डिक्रीज करता है। ओके, तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।